आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूरो नॉर्म्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में पॉल्यूटेंट्स जो है, पॉल्यूशन जो इमिट हो रहा है उसके यूरो नॉर्म्स क्या हैं और इंडियन नॉर्म्स क्या हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप देखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, है ना। तो ये जो आपके नॉर्म्स हैं इनको डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि क्या नॉर्म्स है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं इनके। आवाज़ आ रही है, ठीक है। कोई भी पोल्यूशन है, भले ही वो एयर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या फिर सॉइल पोल्यूशन हो, जो पोल्यूटेंट इमिट हो रहे हैं ना, उनकी एक गवर्नमेंट को उनकी एक लिमिट सेट करनी होती है, कि स्टैंडर्ड उसका बनाना होता है कि इतना अलाउ है और इतना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये जो नॉर्म्स लिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड लिमिट्स ली गई हैं, ये यूरोपियन ली गई हैं, यूरोपियन को लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड में। उनको इंडियन स्टैंडर्ड बाय ईयर्स के नाम से जाना जाता है और यूरो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमने यूरो के नाम से उनको हम फॉलो कर रहे हैं। पर जो टेस्टिंग जो है वो अलग अलग है, जैसे कि वो 130 किलोमीटर पर आवर पे टेस्टिंग कर रहे हैं, हम 90 किलोमीटर पर आवर पे टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो टेस्टिंग का तरीका अलग है पर नॉर्म्स हमारे वही हैं जो यूरोपियन नॉर्म्स हैं किसी भी पॉल्यूशन के लिए। ये आपके पोल्यूटेंट है, थोड़ा सा पोल्यूशन के बारे में दोबारा रिवाइज हो रहा है, एयर वाटर एटमॉस्फेयर नॉइज पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन। तो पोल्यूटेंट है हमारे इकोसिस्टम और हमारी हेल्थ के लिए तो है ही, इंजरियस टू ह्यूमन और एनिमल लाइफ, एनिमल ह्यूमन और आपकी जो इकोसिस्टम है उन सभी को नुकसान पहुंचाते हैं कोई भी पोल्यूटेंट हो। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबली कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, हर 10 साल के बाद का रिकॉर्ड है। तो जो आपका लगभग 290 PPM से 370 PPM तक पहुंचा है, ना 1870 से लेके 2000 तक। पुराना डाटा है, अभी 2010 का भी डाटा होगा, 2020 का भी डाटा होगा, 2000 तक का डाटा देखिए आप, 290 PPM से 370 PPM तक ग्लोबली हमारी जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो एटमोसफेयर में इस तरीके से इंक्रीज हुई है। ये है आपका जो पोल्यूटेंट है उनके सोर्स, नेचुरल सोर्स, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से जो जनरेट हो रहा है वो है पोल्यूटेंट का नाम है, और उसके इफेक्ट जो है हेल्थ पर क्या दिखाई देते हैं। तो ये जो टेबल है ना, इसको आपको याद करनी होगी कि क्योंकि किसी भी पोल्यूटेंट के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको ये तो लिखना पड़ेगा कि उसके सोर्सेज क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन सोर्सेज क्या हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, इतना तो हमें लिखना ही होता है किसी भी पोल्यूटेंट के बारे में पूछा जाए तो आपके हर पोल्यूटेंट के बारे में कुछ दो दो तीन तीन लाइनें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे कार्बन मोनोक्साइड है, ठीक है, अननोटिसेबल फ्यूल रिच है आपका, कंबशन मेनली मोटर व्हीकल्स है, इससे ब्लड कंबाइनिंग विद होमोग्लोबिन एंड देन डिस्प्यूट टिश्यू ऑफ O2 कॉजेज आई थ्रोट। तो इस तरीके से हर का आपका जो पोल्यूटेंट है उनके नेचुरल वर्सेस एंथ्रोपोजेनिक सोर्स दिए हुए हैं और उनके हेल्थ पर इफेक्ट क्या होंगे वो दिए हुए हैं, इस टेबल को आप देख लेना। उसके बाद दूसरी टेबल जो दी हुई है वो दी हुई है एयर पोल्यूशन डिजास्टर। भोपाल में आपको पता होगा भोपाल डिजास्टर के बारे में, जहाँ पे गैस लीक हुई थी, तो उस तरह के डिजास्टर के बारे में। जैसे पहला आपको दिखा देते हैं कि पहले में क्या हुआ था, ये यहाँ पे है आपका बेल्जियम वैली में 1930 में 60 लोग की डेथ हुई थी और 6000 उससे इफेक्टेड हुए थे, उनकी एज, वेदर और उसमें जो सोर्स था वो क्या था, स्टील इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी थी वो सोर्स था, और पोल्यूटेंट क्या था आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से दिया हुआ है डिजास्टर, जैसे SO2 ज़्यादातर आप देखोगे इसमें जो पोल्यूटेंट है वो SO2 है, H2O सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका, SO2 SO2 SO2, और जो आपका भोपाल में था वो था मिथाइली आइसाइनिक, ये आपका पोल्यूटेंट था। सबसे ज़्यादा आपके जो लंदन में है 4000 डेथ और 20000 इन्फेक्ट हुए थे, किसके वजह से, SO2 के वजह से, और इसका जो सोर्स था वो डोमेस्टिक कोल बर्निंग था, ठीक है। यहाँ पे देखो
ये है भोपाल। सोर्सेस सारे SO2 हैं। कम्युनिकेटिव इमिशन ऑफ 1952 टू 2003, तो यूएसए में CO2 का यानी कि वर्ल्ड का 26.37% यूएसए में था, 21% यूरो, चाइना, रशिया, जर्मनी, जापान, यूके, इंडिया में 2.53% इमिशन रेट था आपका CO2 का। अब ये है जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से डायरेक्ट पूछा गया कि क्या है ये यूरो 1 यूरो 2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेबल दिखाई थी, उसमें था कि 1 स्टैंडर्ड यूरो 2 स्टैंडर्ड यूरो 4। जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है जो लिमिट्स है पोल्यूशन की वो कम हो रही है। अगर आपसे मैं बोलूँ 2 व्हीकल हैं, ये यूरो 1 स्टैंडर्ड का है, यूरो 4 स्टैंडर्ड का है, तो उसका मतलब क्या हो गया लिमिट कर रहा है मींस यूरोपियन। तो क्या है, व्हाट आर द इमिशन नॉर्म्स? इमिशन नॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल सेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सेट बाय द गवर्नमेंट व्हिच ए व्हीकल वुड इमिट व्हेन द रनिंग ऑन द रोड। ऑल द मैन्युफैक्चरर नीड टू इंप्लीमेंट सेम व्हीकल फ्रॉम द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने कुछ आपका क्या कहते हैं लेवल सेट कर दिए व्हीकल्स के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको इम्प्लीमेंट करना है अपने व्हीकल्स में, तो उसको डिज़ाइन करते वक्त उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इस लिमिट से ऊपर इमिट नहीं होना चाहिए, तो उनको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी होगी जिससे ये हो सके, वरना वो फिर उसको पास नहीं हो पाएगा व्हीकल। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, कोई मल्टी इंजेक्शन सिस्टम यूज़ करता है, कोई कैटलिस्ट यूज़ करता है, कोई फ्यूल ही चेंज कर देता है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो कंपनियां अपने अलग अलग व्हीकल्स में अपनाती हैं कि कैसे हम जो गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं जो सेट किए हुए हैं पोल्यूटेंट के, उस स्टैंडर्ड को हम पा सकें, इन्हीं को बोलते हैं इमिशन नॉर्म्स। ठीक है, जो पोल्यूटेंट है उनके क्या लेवल्स हैं हमारे किसी व्हीकल से निकलने पर। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज़ यूरो नॉर्म्स। इमिशन नॉर्म्स पता चल गए, अब यूरो नॉर्म्स क्या होते हैं। यूरो नॉर्म रिफरेंस टू द परमिसिबल इमिशन लेवल फ्रॉम द बोथ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल विच बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूरोप। ठीक है, वो परमिसिबल इमिशन लेवल जो दोनों के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए व्हीकल्स के लिए, और जो इम्प्लीमेंट होते थे यूरोप में। द गवर्नमेंट हैज़, इंडियन गवर्नमेंट ने अडोप्ट किया इन यूरो नॉर्म्स को, जो फ्यूल क्वालिटी एंड मेथड ऑफ टेस्टिंग अवेलेबल थे जिनके लिए। यूरो 1 नॉर्म्स इन इंडिया नोन एज इंडियन 2000 से इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2000 नॉर्म्स इक्वल यूरो 2 कोड 5। लेकिन ये जो पॉपुलर है इंडिया में वो यूरो नाम से ही हैं। वैसे जैसे आपको इसमें बताया जा रहा है कि यूरो 1 नॉर्म्स जो है वो इंडिया में क्या कहलाता है, इंडियन 2000। ठीक है, लेकिन फेमस वो यूरो नाम से ही है। हैंग हो गया, एक मिनट वेट कर। अरे यार ये तो हैंग ही हो जाता है यार, हैंग हो गया। अब PDF खोली हुई है बस, एक उसी में हैंग हो गया। What are the Euro 1 and Euro 2 norms? क्या है Euro 1 and Euro 2 norms? Euro norms require manufacturer reduce the existing pollution emission level in more efficient manner by making certain technology change in their vehicle. Euro 1 में कुछ pollutant जो emit हो रहे हैं उनका एक level है, Euro 2 में जाने के लिए आपको और efficient manner में
उन लेवल्स को कम करना होगा, तो आप यूरो टू में पहुंच जाएंगे, इसी तरह यूरो थ्री में, फिर यूरो फोर में। यूरो वन और टू में होता क्या है, व्हाट आर द चेंजेस टू मैन्युफैक्चर हैव टू मेक द ऑर्डर टू मेक यूरो कंप्लेंट व्हीकल, द फॉलोइंग चेंज यूरो नॉम मेड बाय द मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू यूरो वन कंप्लेंट कार। तो इसको ध्यान से समझना, तो फॉलोइंग एरिया पर भी अटेंशन। कार्बोरेटर रिट्यूनिंग, मतलब ये कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जिससे हम यूरो वन या यूरो टू के नॉर्म्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कार्बोरेटर रिट्यूनिंग। कार्बोरेटर वो जगह है कार में आपका जहाँ पे हमारा एयर और फ्यूल का मिक्स होता है और हम उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे कंबेंशन होता है, तो उसकी रीट्यूनिंग, उसको रीडिज़ाइन करके जिससे हम उसके मिक्सचर को एक अच्छे प्रोपोर्शन में ले सकें, तो हम वहाँ पर उसको पोल्यूटेंट को कम कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है सेकेंडरी एयर इनटेक। एक सेकेंडरी एयर इनटेक हम कर सकते हैं जहाँ से, जैसे कि आपका जो ऑयल इंजेक्ट होता है वहाँ पे एयर भी इंजेक्ट होती है ना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो चाहिए किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए, तो हमें एयर तो चाहिए होती है, तो हम एक सेकेंडरी एयर इनटेक भी लगा सकते हैं जिससे हमारा और पॉल्यूशन कम हो सकता है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ईसी, इसको बोलते हैं ईजीआर, बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब कि बहुत जानी पहचानी है, किसी भी जो गाड़ी चलाता है या फिर करता है उसके लिए बहुत नॉन है ईजीआर, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ईजीआर टेक्नोलॉजी अगर हम अपने गाड़ी में लगा ले तो उसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाएगी, उसकी माइलेज बढ़ जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, कुछ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ईजीआर लगवाओ, तो कुछ ऐसा होता नहीं है। ईजीआर लगवाने से आपके बैटरी और आपके और फ्यूल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब वो और ज़्यादा चल लगते हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि ईजीआर क्यों लगाना चाहिए? ईजीआर क्या होता है, जो का आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनके एमिशन के रेट को कम कर देता है। ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, जो आपका जहाँ से आपका है ना, वो होता है साइलेंसर जहाँ पे होता है, जहाँ से आपका धुआं निकलता है गाड़ी में, वहीं पर एक और आपका डिवाइस लगा होता है जिससे वो धुएँ में से कुछ पार्ट उसमें चला जाता है और फिर वो दोबारा से आपके कार्बोरेटर में जाता है ठंडा होके, उसे रिसर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका धुआं जो निकल रहा है, गर्म एयर जो निकल रही है, वहाँ से कुछ एयर को दोबारा से रिसर्कुलेट कर देते हैं, जिससे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है उसकी रेट है, एमिशन रेट थोड़ा कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं ईजीआर। तो इससे केवल एक ही फ़ायदा है इन्वायरमेंट को, कि पॉल्यूशन हमारा जो होगा वो कम एमिट होगा ईजीआर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे अगर हम। तो ए हो गया आपका कार्बोरेटर का रिट्यूनिंग करना, बी हो गया सेकेंडरी इनटेक, इनको थोड़ा सा बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज समझ जाना। ए कार्बोरेटर रिट्यूनिंग मतलब जहाँ ऑयल का कंबशन होता है उस चैम्बर की जो बनावट है उसको रिट्यून करना। सेकेंडरी एयर इनटेक, क्योंकि हमें एयर चाहिए होती है किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, तो हमारे पास एक और सेकेंडरी इनटेक है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो गर्म हवा जो हमारी निकल रही है बाहर उसी को थोड़े से उसके पार्ट को रिसर्कुलेट करना, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्या होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो इमिशन हो रहा है वो रेट कम हो जाएगा। डी आपका कैटलिस्ट कैपेसिटी इंक्रीज। कैटलिस्ट बता रखा है मैंने, कैटलिस्ट क्या करता है, जो आपके पोल्यूटेंट है उनको किसी और जो नॉन हार्मफुल हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है, तो हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ट्राई मेटल कोटिंग इन द कैटलिस्ट, कैटलिस्टर के ऊपर कोटिंग होती है जो उसके कोरोजन या उसके जो इरोड को के रेट को कम कर देती है और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो ये ए बी सी डी ई ये तरीके हैं किसी भी एक मैन्युफैक्चर व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी के, जिससे वो उन नॉर्म्स तक जा सकें जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, यूरो वन यूरो टू जा सकें। और भी तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं जिनको वो चेंज करते हैं जिसके वजह से वो नॉर्म्स को क्वालिफाई कर सकें।
changes for having a Euro 2 compliant vehicle required that the carburetor be replaced by MPFI system. अब क्या यूरो टो जो है उसमें क्या चेंजेस आए कि उसमें बोला गया कि जो कार्बोरेटर को रिप्लेस किया जाए एमपीएफआई सिस्टम में, ये बता चुका हूँ, दोबारा से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका जो आपका कार्बोरेटर है, जहाँ पे आप तो फ्यूल टैंक हो गया, फ्यूल टैंक से फ्यूल को पंप किया जाता है और जो कार्बोरेटर है वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल को। तो ये मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है कि उसको एक जगह से ना होके आपका मल्टी पॉइंट से आपको फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है आपके कार्बोरेटर में, जिससे उसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाती है, फ्यूल जो है वो कम यूज़ होता है। अब आप कह रहे हो कि इसमें मल्टी पॉइंट हम चार पांच जगह से हम फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उससे कम कैसे होगा? होता क्या है कि एक आपने सुना होगा कि चार सिलेंडर वाली गाड़ी 2 सिलेंडर हॉर्स पावर या अभी कॉल, अभी क्या कहते हैं, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, किसी ने बताया नहीं, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ यहाँ पे। अब बताओ मुझे मैंने कहाँ तक बता दिया था लास्ट टाइम। आवाज़ यहाँ पे आनी बंद हो गई होगी ना। अंकुज, जिसको आवाज आ रही है बताओ कहाँ तक पढ़ाया है। हाँ बताओ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना, ये पता नहीं चला है। बताओ स्लाइड में बताओ कहाँ तक करा है। हेलो, देखिए
पूरा ग्लोबल वार्मिंग पे है पर पर्सन का। हेलो हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, धीरे से बोलो आराम से बताओ। सर ये वाला हो गया था, ये हो चुका था, और ये बता दिया था मैंने, कार्बोरेटर सेकेंडरी एयर इंटेन एग्जॉस्ट एयर सर्कुलेशन, ये चल रहा था, ये चल रहा था। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको, मैसेज कर दिया करो तुरंत व्हाट्सएप पे, वो तो मैंने देख लिया क्लिक करके, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि जो हमारे यूरो वन के नॉर्म्स को क्लियर करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर जो है ऑटोमोबाइल्स के वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसके बाद मैं बता रहा था कि यूरो टू के नॉर्म्स के क्वालिफाई करने के लिए फिर कौन सी टेक्नोलॉजी वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो यूरो वन के लिए हमारी टेक्नोलॉजी फर्स्ट थी कार्बोरेटर की रिट्यूनिंग, जो कार्बोरेटर है जहाँ पे हमारा ऑयल जलता है उसकी रिट्यूनिंग कर सकते हैं। सेकेंडरी एयर इनटेक, क्योंकि हमें एयर की ज़रूरत है, कोई भी फ्यूल बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं, वो एटमोसफेयर से एयर लेता है, तो एयर का एक सेकेंडरी इनटेक भी बना सकते हैं, इससे पोल्यूशन कम होगा। दरअसल हम कर क्या रहे हैं, जो फ्यूल है उसको प्रॉपर जला रहे हैं, वो अगर आधा अधूरा जलेगा तो उतने ही ज़्यादा पोल्यूटेंट हमारे इमिट होंगे। सी पॉइंट था एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो आपका गर्म गैस जो हवा बाहर निकल रही है विद पोल्यूटेंट, उसमें से कुछ पार्ट को हम रिसर्कुलेट कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो इमिशन रेट है वो कम हो जाता है। डी क्या था, कैटलाइजर कैपेसिटी इंक्रीज, जो कैटलाइजर आपका कैपेसिटी है उसकी इंक्रीज कर दो। काम क्या करता है ये डिवाइस काम करता है, जो पोल्यूटेंट है उनको कन्वर्ट ऐसे एलिमेंट में कर देता है जो कम पोल्यूटेंट या नॉन पोल्यूटेंट होते हैं। ई क्या है, उसी की कैपेसिटी को और उसको इरोड होने से बचाने के लिए एक कोटिंग कर देते हैं, ट्राई मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ये आपका ई हो गया। तो ए बी सी डी ई, ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो यूरो वन के नॉर्म्स को क्वालिफाई करने के लिए कोई भी ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है वो अप्लाई करता है। उसके बाद हम कर रहे थे कि अब यूरो टू आ गया, यूरो टू में और कम रेट चाहिए हमें पोल्यूटेंट इमिशन, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी क्या थी, मल्टीपॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, कि हमारा जो कार्बोरेटर है उसमें फ्यूल जल रहा है तो वहाँ पे एक पॉइंट से हमारा फ्यूल इंजेक्ट होता था, जिससे कुछ एरिए पे जहाँ पे हमारा फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है वहाँ पे फ्यूल कम पहुँचता था, जिससे जो कंबशन है वो कम होता था और पोल्यूटेंट ज़्यादा इमिट होते थे। तो मल्टी पॉइंट से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और पोल्यूटेंट कम होंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक था। हमारा एक ये भी था कि जो हमारा इग्निशन इंजन में जो हमारा स्टार्ट करते हैं तो वो स्पार्किंग होती है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी हो सकती है और वो आपकी फ्यूल स्पार्किंग भी हो सकती है। जब आप किक मारती हो तो वो क्या होती है, फ्यूल स्पार्किंग होती है, और जब आप ऑटो स्टार्ट करते हो व्हीकल को तो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है। फिर हम बात कर रहे थे कि जो नॉर्म्स हैं यूरो के नॉर्म्स जो हैं उसमें क्या रेट है, क्या लेवल सेट किया गया है किसी पोल्यूटेंट के एमिशन का व्हीकल्स के लिए। तो इसमें दिया हुआ है, देखो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो है आपका 2 kg पर किलोवाट आर, PM दिया हुआ है 0.02 gram पर किलोवाट आर, CO2 दिया हुआ है 1.5 gram किलोवाट पर आर, HC दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन 0.46 kg पर वाट, और स्मोक दिया हुआ है आपका 0.5 gram पर किलोवाट। क्रोनोलॉजिकल ऑफ यूरो नॉर्म्स, जो यूरो 1, 2, 3, 4 है कब का भाई, 1993 में आया था फॉर पैसेंजर कार के लिए यूरो 1, यूरो 2 1996 में आया था ये भी पैसेंजर कार्स के लिए, यूरो 3 2000 में आया एनी व्हीकल्स के लिए, यूरो 4 2005 में आया एनी व्हीकल्स के लिए, यूरो 5 आया 2008 में हैवी गुड व्हीकल्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% आने हैं, उनमें से ही एक क्वेश्चन है कि डिफाइन कीजिए आपका यूरो 1, 2, 3, 4, 5 क्या इंडियन स्टैंडर्ड हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में इन नॉर्म्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये 100% आने वाला है। दो हज़ार दस में जब यूरो 4 नॉर्म्स का फेस चल रहा था तो वहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च हुआ और कैसे कैसे हुआ ये उसके बारे में, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना।
उसके बाद आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हो चुका है आपका फर्स्ट यूनिट में। क्योटो प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइजिंग 6 ग्रीन हाउस गैसेस, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसमें 6 इसने का ग्रीन हाउस गैसेस को डिफाइन किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड एंड हाइड्रोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन। एक ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन सोर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो है आपका वो इंडस्ट्री है 24, लैंड यूज 18 है, उसके बाद है आपका 14 बिल्डिंग्स एंड वेस्टेज। ये याद कर लेना अमेंडमेंट, ग्लोबल कन्वेंशन फॉर एयर एंड एटमॉस्फेयर पोल्यूशन अमेंडमेंट 1971 में आया था, पोल्यूटर पेज द प्रिंसिपल 1972 में, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1985 में, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर ओजोन लेयर, बस ये लाइन याद कर लो आप, फर्स्ट फर्स्ट लाइन। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज डेट डिप्लेट द ओजोन लेयर, 1988 में द इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज IPCC, 88 में हुआ था, 1992 में अर्थ समिट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, 92 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, 1995 में आपका आया था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू FCC। तो इसमें आप देखो ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का, इसमें पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब द वेरियस पोल्यूटेंट एमिटिंग पेट्रोल ड्राइवर एंड डीजल ड्राइवर मोटर व्हीकल। ये लिस्ट आपको पता है आपका कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या हैं जो आपके पेट्रोल और डीजल व्हीकल से आपके निकलते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना होगा। उनके सोर्सेज तो नहीं बताने आपको, क्योंकि सोर्सेज तो इसमें पूछा ही है कि पेट्रोल ड्राइवन और डीजल ड्राइवन व्हीकल से निकल रहे हैं, ठीक है, उनके क्या इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट में और उनके क्या रेट हैं, किस रेट से वो निकलते हैं और रीज़न क्या है निकलने का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है, ऑल्सो राइट Euro 1, Euro 2, Euro 3 स्पेसिफिकेशन फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड ड्राइवन पैसेंजर कार्स, ठीक है, तो ये आपको बता देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है।